मैंने ये सूट के साइड की पट्टी ली है बची हुई। आज मैं इसी से एक बैग बनाऊंगी। पहले हम इसका एक पीस ले लेंगे, जितनी भी इसकी लंबाई आ रही है इसे दो पीस में कट कर लेंगे। अगर पट्टी ज़्यादा बचती है या आप किसी अलग पीस से बना रहे हैं तो आप छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। यह हमारी पट्टी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसे हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो हमने सूट की कटिंग की है वही पट्टी बची हुई है। अगर आपसे ये सीधा नहीं कटता है तो आप इसे नाप के भी काट सकते हैं। जैसे एक साइड से आप इसे नाप लीजिए, यहाँ से ये 13.5 आ रहा है, दूसरी साइड से भी 13.5 लगा के, 13.5 का निशान लगा के आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे दो पीसेस में कट कर लेते हैं। कपड़े की खुली हुई साइड से हम दोनों पीसों को बराबर रख लेंगे और फोल्ड साइड को हम कट कर देंगे। बैग में लाइनिंग लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, जो कि मेरे पास वेस्ट ही पड़ा हुआ था। इसके हम लाइनिंग लगाएंगे। सेम साइज़ के हम दो पीस लाइनिंग के लिए कट कर लेंगे। और इसके अंदर भरने के लिए मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है, जो कि सेम साइज़ का ही है। मैंने इसे नाप कर ही लिया है। इसकी जो लंबाई है बिल्कुल इसके बराबर आ रही है, तो मुझे लगा इसमें पूरा बैग बन जाएगा, मैंने यही बैग ले लिया। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी स्टेप्स को भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये लाइनिंग के लिए यूज़ करना है, नहीं तो ये बीच में अड़ेगी। इन स्ट्रिप्स को भी हम स्ट्रिप बनाने में ही अंदर भर लेंगे, ताकि स्ट्रिप मजबूत हो जाए। इसके साइड से जो पीस बचा है इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। इस पट्टी को हमें तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारी दो पट्टियाँ साइडों में आएंगी और एक पट्टी नीचे आएगी, तो इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इधर की साइड फोल्ड है तो इसे हम आधा लेंगे और दो पीस हम इधर वाली साइड से, खुली हुई साइड से लेंगे। हमने तीन पार्ट में इसे कट कर लिया है। जो थोड़ी छोटी बड़ी है इसे हम बीच में सिलाई लगा कर इसे बराबर कर लेंगे। अब हमारे पास तीन पट्टियाँ आ गई हैं। यहाँ से फोल्ड साइड है, इसे भी कट कर लिया है। हमने बैक के पीस का लाइनिंग भी कट कर लिया है। इसी तरह से हमने जो साइड की पट्टी ली है उसके लिए भी लाइनिंग कट कर लिया है, और शॉपिंग बैग को हमने पहले ही कट कर लिया था। अब हमें बीच का एक पीस लेना है। पहले हम लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग को हमने उल्टा रखा है, उसके ऊपर हम शॉपिंग बैग रखेंगे। ये मैंने शॉपिंग बैग रख लिया है। इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक लगा लिया है। तीनों पीसेस को रखकर हम इसमें दोनों साइड से सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसी तरह से साइड की पट्टी और दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। अगर हमारा वन वे कपड़ा है तो फ्लावर्स का ध्यान रखना है। फ्लावर ऊपर और पत्तियाँ नीचे आनी चाहिए। अब इसमें हम सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। मैंने एक एक फ्लावर छोड़कर एक एक फ्लावर पे सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर आपका कपड़ा फ्लावर वाला नहीं है या कोई प्लेन कपड़ा है तो आप इस पे चौक से लाइन लगा सकते हैं, जितनी भी दूरी पे आपको चाहिए। एक डायरेक्शन में सिलाइयाँ लगने के बाद दूसरी डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसे हमने बीच का पीस तैयार किया है, इसी तरह से हम साइड का पीस भी तैयार कर लेंगे। एक एक फ्लावर छोड़कर हमें ये सिलाइयाँ लगानी हैं। सभी पीसेस में क्विल्टिंग करने के बाद जो भी साइड्स छोटे बड़े हैं इन्हें हम बराबर कर लेंगे। हम मेन फैब्रिक की मैंने 4 इंची चौड़ी पट्टी कट की है, इसे हम बैक की ओपनिंग पे लगाएंगे। और अंदर वाली साइड भी हमारा सेम कपड़ा दिखाई देगा, जिसे सुंदर लगेगा बैग, इस तरह से ये आ जाएगा। और इसके बीच में हमें चैन लगानी है। मैंने सेम कलर में चैन ली है। पहले हम चैन को उल्टा रखेंगे और जो हमने पीस कट किया है इसे भी उल्टा रखेंगे। बैग को हमने सीधा रखा है। जब हम इसे पलटेंगे तो ये कपड़ा उल्टी साइड चला जाएगा। चैन और कपड़े को दबाते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस कपड़े को बैक साइड में मोड़ देंगे और चैन के किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो चैन वाली सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए, कपड़ा बार बार चैन में ना दबे। इससे कपड़े में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब बैग का दूसरा पीस लेंगे और इसके ऊपर जिसमें हमने चैन लगाई है इसे उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर हम 4 इंच की दूसरी पट्टी रखेंगे और इसमें भी तीनों पीसों को पकड़कर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, बैक साइड से देखते हैं
बैक साइड से ये इस तरह से पट्टी नज़र आएगी और हमारे बीच में चैन आ गई है। इसके साइड में भी हम चैन को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। अब बैक के बैक साइड में हमने जो पट्टी लगाई थी इसे भी हम फिनिशिंग से सिल देते हैं ताकि इसमें धागे ना निकले। जैसे हमने ये पट्टी सिली है दूसरी साइड भी इसी तरह से सिल देंगे। बैग को थोड़ा फैंसी बनाने के लिए मैंने इसी के साथ का कपड़ा ले लिया है जो कि इसके लोअर का है। 3.5 इंची इसकी लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई मैंने बैग के हिसाब से ली है जितनी बैग की चौड़ाई है, यानी कि 13.5 इंच से मैंने कट कर लिया है। चैन से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हम चैन की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर मैं इसी कपड़े से बचा हुआ बॉर्डर अटैच करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का बॉर्डर नहीं है तो आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने सिर्फ नीचे वाली साइड से ही अटैच किया है क्योंकि जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो साथ साथ में स्टेप को भी दबा देंगे। हमने जो शॉपिंग बैग से स्टेप निकाली थी इसे भी हम इसी कपड़े के अंदर फिल कर देंगे और एक स्टेप तैयार कर लेंगे। हमने दोनों स्टेप बना के तैयार कर लिए हैं। अब देखते हैं इसे किस तरह से लगाना है। हमने जो ये बैग तैयार किया है पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे स्टेप लगाने के लिए ताकि जो हमारी स्टेप है वो बराबर दूरी पर लगे। दोनों साइड निशान ले लेंगे। अब हमें इसे खोल लेना है और जितनी भी दूरी पर हमें स्टेप लगानी है उस पर हम निशान लगा लेंगे। 2.5-2.5 इंच की दूरी पर या 3-3 इंच की दूरी पर हमें इसमें जितना भी हमें दूरी चाहिए उसी हिसाब से हम स्टेप की निशान लगा लेंगे। मैंने इसमें 3-3 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। स्टेप को दबाते हुए जो हमने बॉर्डर की पट्टी लगाई थी उसी में हम स्टेप को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे। चलिए इसे हम दोनों तरफ लगा लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ स्टेप लगा के तैयार कर ली है। अब हम बैग में साइड की पट्टी लगाएंगे। साइड की पट्टी लगाने के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद इसे हम साइड से अटैच करेंगे। दोनों ही पीसों को हमें सीधा रखना है क्योंकि हम इसके किनारे पर पाइपिंग लगा लेंगे। तीनों साइड हम इसे अटैच कर लेते हैं। इसे मैंने एक साइड से अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे दूसरा पीस लगाते हुए। हमने दोनों पीस अटैच कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये बैग बन गया है। अब हम इसकी जो कॉर्नर हैं इस पर पाइपिंग लगा लेंगे जिससे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और बैग बहुत ही सुंदर लगेगा। हमने जो बैग में लोअर का कपड़ा लगाया था इसी कपड़े से हम इसकी पाइपिंग कट करेंगे। 1 से 1.5 इंच की पट्टी को कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं इसमें उरेब कपड़ा ना काट कर आड़ी पट्टी लूँगी क्योंकि ये भी थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। अगर आपके पास उरेब पट्टी है तो आप उरेब भी ले सकते हैं। इन पट्टियों में जोड़ लगा लेंगे और एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बैग में लगाएंगे। जो हमने ये बाहर की तरफ जोड़ किया है यह भी छिप जाएगा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगी पाइपिंग की। इसे हम तीनों साइड लगा लेंगे और इसी तरह से हम पीछे की साइड भी लगा लेंगे। चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसे किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और पाइपिंग निकाल लेंगे जिससे ये सुंदर सा लुक देगा। ये देखिए हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए अंदर से काफ़ी स्पेस है इसमें। आप चाहें तो इसके अंदर पॉकेट भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये बैग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।